हम किस कॉन्सेप्ट में है, न्यूट्रिशन हमारे लिए क्या काम कर सकता है और इस न्यूट्रिशन से हम क्या बड़ा काम कर सकते हैं। पहली चीज, क्योंकि हम लोग उन आंकड़ों पर ध्यान नहीं देते, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अरविंद सर ने कहा, इनके इन लोगों के पास डाटा रहते हैं और ये डाटाओं पर काम करते हैं। कभी कभी आप अपने सीनियरों से सुनते हैं ये बात। मैं पहली चीज ये कहना चाहूंगा, डीएसएम के नाम पे बहुत सारी कंपनियां दुनिया के अंदर है, इंडिया में भी है, लेकिन आरसीएम एक अलग प्लेटफॉर्म है। बहुत लोग मेरे से बोलते हैं, सर इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में भी सब लोग क्यों नहीं आना चाहते। तो मैं एक ही चीज कहता हूं, आरसीएम सिर्फ उनको मिलेगा जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए हैं, ये सबको नहीं मिलेगा। यानी आरसीएम हमें मिला है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, और आरसीएम के साथ न्यूट्री चार्ज जैसा इतना बड़ा ब्रांड हमारे साथ है, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। प्रश्न आता है कि न्यूट्रिशन का क्या यूज है, आने वाला टाइम क्या है, ये सारी चीजें अभी मैं 20-25 मिनट में आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। आज आप देखना, जब भी आदमी अपने जीवन में 18 साल की एज को क्रॉस करता है, वो बड़े बड़े सपने देखना शुरू करता है, और उन सपनों के साथ उसके माइंड में एक ही पिक्चर चलती है, मेरे को अमीर बनना है, बस पैसा कमाना है। और उसके लिए वो देखना ना धूप का ध्यान रखता है, ना ठंड का ध्यान रखता है, ना बरसात का ध्यान रखता है, बस उसका एक टारगेट है, पैसा कमाना है, और वो कमा भी लेता है। लेकिन जब वो पैसा कमा लेता है, उस समय वो अपनी सेहत को खो देता है, क्योंकि उसने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि उसका एक ड्रीम था, मैं बड़ा आदमी बनूंगा और पैसा कमाऊंगा। फिर जब वो एक डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर मैंने पैसा तो कमा लिया लेकिन मैं अपना शरीर खो बैठा, तो डॉक्टर बोलता है ये शरीर वापस आ सकता है लेकिन जो पैसा कमाया अब वो खोना पड़ेगा इस शरीर के लिए। यानी उसके पास ना पैसा बचा ना सेहत बची। तो सबसे पहले हमारे बड़े बुजुर्ग, आप देखो जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं, उनका कहना है सबसे बड़ा धन निरोगी काया है। तो मैं सारे सीनियर, सारे डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रोडक्ट को 100% यूज करें, और उसके आज मैं आपको रिजल्ट बताने वाला हूं, मैं उसका साक्षात उदाहरण हूं। न्यूट्री चार्ज आने वाले टाइम में कहां पहुंचने वाला है, 2025 तक लोगों का क्या आंकड़ा है इंडिया के लिए, जैसा अभी अरविंद सर ने कहा, जैसे कहते हैं ना भारत बहुत बड़ा देश है, पूरी दुनिया की निगाह इसके ऊपर है, लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली है कि ये हमारे पास सबसे पहले आया। आने वाले टाइम में आप देखना न्यूट्रिशन की लाइन लगेगी भारत के अंदर। लेकिन आप कभी अपने पिताजी दादाजी से पूछना, या आप इस चीज को जो लोग समझते हैं एनालिसिस करना, जो दुकानें पहले से अच्छी चल रही हैं 5, 10, 15, 20 साल से, वो किराना की हो, मेडिकल की हो, आप देखना वहां भीड़ बढ़ती जा रही है, जो नई खुल रही है वहां लोग आने को तैयार नहीं है। यानी वो दुकानें अपना विश्वास जमा चुकी है, लोगों का उनके प्रति विश्वास जम चुका है। ये हमारे पास 2-3 साल काम करने का बहुत पीक टाइम है न्यूट्रिशन के ऊपर, क्योंकि फिर जो आएगा वो हमें नहीं पकड़ पाएगा। क्योंकि अगर राजधानी दिल्ली से छूट गई बॉम्बे के लिए, उसके बाद 2 घंटे बाद कोई सी भी राजधानी छूटती है या कोई ट्रेन छूटती है, तो पहली राजधानी 2 घंटे पहले ही बॉम्बे पहुंचेगी, वो कितना भी कोशिश करे, क्योंकि आगे तो आगे ही रहेगी। आज हम न्यूट्रिशन का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं भारत में कि फिर हमारे पास भी कोई पहुंच नहीं सकता, इसका मुकाबला ही नहीं है। मैं कई बार मीटिंगों में बोलता हूं, मैं आज उस चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, न्यूट्रिशन के पास आने में कोई कंपनी बराबरी तो छोड़ो इसके बारे में सोच नहीं सकती। पता है क्यों? मैं इस चीज को आज क्लियर करता हूं, आपको थोड़ा सा क्लियर होगी पिक्चर। आप देखना जब हम किसी का फोटो खींचते हैं ना, और सामने वाला कहता है कि इस फोटो को बहुत क्लियर बनाना, तो फोटो खींचने वाला बोलता है सर बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन जब वो फोटो को बनाना शुरू करता है तो वो कहता है मेरे को साइज बड़ा चाहिए, तो फोटोग्राफर बोलता है सर साइज बड़ा नहीं हो पाएगा, क्लियरिटी चाहिए तो साइज बड़ा नहीं होगा। बोले क्या फर्क आ रहा है? बोले पिक्सल फटते हैं। आपको क्या लगता है न्यूट्रिशन जिस रेट में जो कंटेंट देता है, दुनिया की कोई कंपनी लाना तो छोड़ दो सोच नहीं सकती, क्योंकि
क्योंकि वो इतने कंटेंट डालेगी तो रेट को तीन गुना करेगी, रेट कम करती है तो कंटेंट कम कर देगी, यानी पिक्चर क्लियर करेगी तो फोटोग्राफ छोटा रह जाएगा, फोटोग्राफ बड़ा करेगी तो पिक्चर खराब हो जाएगी, पिक्सल फट जाएंगे। यानी मैं तो ये कहता हूं कि आरसीएम के न्यूट्रिशन का मुकाबला दुनिया की कोई कंपनी कर ही नहीं सकती, तो हम सौभाग्यशाली हैं। इस चीज को हमें गंभीरता से समझना चाहिए। मैं कहता हूं इस न्यूट्रिशन पे ऑफर लाने की जरूरत ही नहीं थी, ये ऑफर का बिजनेस ही नहीं है। पता नहीं क्या न्यूट्रिशन को लगा, क्या हमारे कंपनी के ऑनर को लगा, न्यूट्रिशन कह रहा है मेरे से दो लो, 2000 वॉल्यूम का लो, 2000 का हम बाद में देंगे, 2000 का आरसीएम भी देगा। ऑफर की जरूरत नहीं थी इस प्रोडक्ट पे, क्योंकि आपने कभी सुना है कोई डॉक्टर को यह कहते हुए कि आप मेरे से 20 इंजेक्शन लगवाओ और फिर मैं एक महीने की टेबलेट आपको फ्री दूंगा? कभी नहीं सुना। बल्कि कहना नहीं चाहिए, यहां कुछ डॉक्टर हो सकते हैं, मैं सॉरी बोलता हूं, सब एक जैसे नहीं है, सबकी अलग अलग भावनाएं होती हैं। आजकल के 40% डॉक्टर ऐसे हैं जिन दवाइयों पर यह लिखा जाता है नॉट फॉर सेल, उनको भी वो बेच देते हैं खुली कर। क्यों? फ्री तो छोड़ दो, वो फ्री वाली को पैसों में बेच देते हैं। तो ऑफर की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन शायद क्यों दिया, इसको मैं आगे आपको क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि भारत के व्यक्ति के अंदर एक लालच है, उसको अच्छी चीज, आप देखो ना आज की जनरेशन, ये पिज्जा बर्गर ये छोटे बच्चे खाते हैं, इनको खाना खिलाना हो ना तो इनको प्रलोभन देना पड़ता है, तुम्हें चॉकलेट दिलाएंगे, तुम्हें आज आइसक्रीम दिलाएंगे, ये बगैर प्रलोभन के काम नहीं करते, ये भारत के आदमी का नेचर है। आपको ये इसलिए दिया ताकि आप इसको 100% यूज कर सको और लोगों को करा सको इस ऑफर की वजह से। आप देखना ऑफर एक इंडिया के आदमी का एक ऐसा कल्चर आ गया, जब किराना की दुकान पे, जो लोग इस चीजों को जानते हैं वो समझेंगे, जब हम किराना की दुकान पे जाते थे 15-20 साल पहले, तो वो हम बोलते थे हमें 500 का सामान चाहिए, वो कहता अगर 1000 का लोगे ना तो ये प्लास्टिक का मग्गा फ्री है, तो मिसेज बोलती थी ले लो मग्गा फ्री आ रहा है, तो वो बोलता था 500 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अरे बोले देने पड़ेंगे, आप नहीं समझते, फ्री है मग्गा, देने ही है, यानी वो मग्गे की कॉस्ट 5-7 रुपए होगी, लेकिन उसकी वजह से उसने 500 रुपए का प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लिया क्योंकि वो ऑफर था। तो वो एक नेचर में है, शायद इसलिए न्यूट्रिशन ने इतना बड़ा ऑफर दिया, इतने बड़े अभी अरविंद सर ने बात की। और आज हमारे पास, मैं कहता हूं न्यूट्रिशन की वो रेंज है, एक बच्चा जो इस दुनिया में आने की तैयारी कर रहा है वहां से लेके कहना आनी चाहिए जाने तक की तैयारी के प्रोडक्ट है हमारे पास, क्योंकि ये कड़वा सच है, जो आया है वो जाएगा। आप कहेंगे जाने तक, जब आदमी वृद्ध हो जाता है घुटनों की सबसे बड़ी समस्या होती है, उसकी जान निकल जाती है। बीजे, मैं पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने उसके रिजल्ट देखे, बीजे इतना पावरफुल प्रोडक्ट है, मेरे को नहीं पता लोग कॉस्ट पे, और 40 साल से एज के जितने भी हम सीनियर है डिस्ट्रीब्यूटर है, इयरली में आपको दो पैकेज, 6 महीने में एक पैकेज हर व्यक्ति को ही खाना चाहिए अगर आप हमेशा अपने पैरों पर खड़े रहना चाहते हैं। औरंगाबाद में एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, रॉयल्टी अचीवर है, आपको सुन के आश्चर्य होगा, अरविंद सर वो बीजे बेचते हैं और व्हाट्सएप पे बेचते हैं, आज तक किसी व्यक्ति से वो मिले नहीं, सारा व्हाट्सएप पे समझाते हैं, ऑर्डर व्हाट्सएप पे लेते हैं, ऑनलाइन पैसा मंगाते हैं और एमआरपी से ज्यादा पैसा लेते हैं, ट्रांसपोर्ट का भी पैसा लेते हैं और ओनली बीजे बेचते हैं, और उस बीजे से रॉयल्टी मेंटेन करते हैं वो। मतलब एक प्रोडक्ट, मतलब क्या ताकत रखता है। मैं अपना प्रैक्टिकल बताता हूं, एज के हिसाब से आई साइड वीक होती है और जब हम यूज करते मोबाइल और होती है, तो अभी मेरी लगभग 6 महीने से मेरे को पास का चैलेंज आने लगा, तो फिर मैं जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा आपने ध्यान नहीं दिया, और मेरे को 1.5 नंबर का चश्मा लग गया पास में देखने में, तो मैं, लेकिन मेरे को पता लगा कि यार व्यू के तो बहुत शानदार रिजल्ट है, चलो चश्मा घटेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, और मैं कंटिन्यू खाने लगा। सर अभी 10 दिन पहले की, सडनली 10 दिन पहले की रिपोर्ट है, मेरे को फिर थोड़ा सा ऐसा लगने लगा, चश्मा लगा के भारीपन, मेरा सर भारी रहने लगा, मैं फिर डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा नंबर बढ़ गया आपका, आप ज्यादा मोबाइल यूज करते हो। मैंने कहा सर हमारा तो काम ही मोबाइल का, हमारा बिजनेस ही मोबाइल पे और लैपटॉप पे चलता है।
तो बोले फिर आप चेक करा लो। तो जब मैं चेक कराने गया, मैंने कहा सर ये उन्होंने भेजा उनके असिस्टेंट के पास, तो उसने जब लगाया बोले क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा सर मेरे को अब थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा। तो उसने लगाने के बाद वो बोलता है उसने मेरे को पौने दो नंबर लगाया। तो मैंने कहा सर इसमें तो और डिस्टर्ब दिख रहा है। तो उसने मेरे को फिर सवा नंबर लगाया। तो मैंने कहा सर इसमें क्लियर है। तो वो बोलता है कि तुम्हारा नंबर घटा है और ये इस एज में, मैं 53 एज, रनिंग एज है मेरी 53, बोले इस एज में नंबर कभी भी घटता नहीं, स्टेबल हो सकता है लेकिन घटता नहीं। तो फिर मैंने उनको कहा सर हमारे एक न्यूट्रिशन में एक प्रोडक्ट है व्यू, मैं उसको लेता हूँ। तो उन्होंने कहा यार एक बार बताना। मैं कल उनको देकर आया 3 पैकेट। मैंने कहा सर ये 3 मंथ आप खाओ, एक चीज की मैं गारंटी लेता हूँ आपको खुद फीलिंग आएगा और खुद आप इसको करोगे और मैं 3 मंथ बाद आपको मिलूंगा। यानी एक एक प्रोडक्ट में ताकत है। फर्क क्या है, हमको इसको करने का तरीका नहीं आ रहा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ अरविंद सर, भारत में RCM ये भावना का बिजनेस है। बाकी कंपनियों को मैं कहता हूं वो चलाकी के बिजनेस है, वो चलाकी से काम करती है। यहां जब हम किसी को प्रोडक्ट देते ना, पहले हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट से इसको लाभ होना चाहिए। अगर इस भावना के साथ हम प्रोडक्ट देते मैं कहता हूं गारंटेड रिजल्ट आते। दूसरा, भारत में क्या मानते हैं लोग, आप किसी से भी पूछो एक अच्छा सेल्समैन कौन है, एक ही जवाब आता है जो गंजे को कंघी बेचते। मैं कहता हूं वो अच्छा सेल्समैन नहीं है, ये गलत लोगों की धारणाएं। अरे गंजे को कंघी आपने बेच दी, एक ही बार तो बेच सकते हो, और बेच दी वो जाके कंघी का यूज करेगा, बाल है नहीं, तो पहले तो वो अपना सर खुर्चेगा और जिस दिन आप मिलोगे फिर आपका खुर्चेगा, है ना। तो रूल क्या है, पहले आप उसको तेल दो बाल उगाने का और फिर दो कंघी, आपका दोनों चीज का वो परमानेंट ग्राहक हो गया कि यार किसी ने मेरे बालों की आज तक बात नहीं की, इसने मेरे बाल भी उगाए और फिर मेरे को कंघी, परमानेंट दो प्रोडक्ट का ग्राहक हो गया। तो हमारा न्यूट्रिशन आप सही से एक्सप्लेन करके दो, मैं कहता हूं आपके गारंटेड कस्टमर बनेंगे, गारंटेड। और मैं कभी भी न्यूट्रिशन, और मैं सबको बोलता हूं मीटिंग में, न्यूट्रिशन को किसी को भी दो आप गारंटी के साथ दो। ये एक साइकोलॉजी काम करती है। जब हम कहते हैं ना सर आप इस प्रोडक्ट को खाओ, रिजल्ट नहीं आए आप खुला वापस कर देना, क्या फर्क पड़ेगा। मान लो मैंने उसको मैं टेबलेट दी, उसने 10 खा ली, 20 अगर उसने बाय सपोज मेरे को वापस कर दी तो मेरे को तो खानी है, उनको मैं यूज में ले लूंगा, मैं नहीं लाऊंगा अगला पैकेट जो मैं 3 लाता हूं महीने के बच्चों के लिए और मेरे लिए, तो मेरे को 2 ही लाने पड़ेंगे। लेकिन जब ये शब्द के साथ हम किसी को प्रोडक्ट देते ना, कभी भी वो प्रोडक्ट वापस नहीं आता। और न्यूट्रिशन का तो आ ही नहीं सकता, बस फर्क है समझाने का। जैसे बीजे बहुत लोग दूध में बोल देते हैं शाम को, मैं कहता हूं दूध में उसके रिजल्ट ही नहीं है, आप पानी में तो गारंटेड रिजल्ट है। मैं ले रहा हूं अभी मैंने मंगाया बीजे, और मैं महीने में 6 महीने में एक बार अपना कोर्स पूरा करता हूं बीजे का हमेशा। और मैं न्यूट्रिशन की वजह से, और मैं ओपन बोलता हूं, मैं 100 साल की उम्र पूरी करके इस दुनिया से जाऊंगा और मैं जैसा हूं ऐसा ही आपको हमेशा देखूंगा। मैं अभी मेरे को किसी ने कहा, मेरे PUC वाला बोलता है सर DHA क्यों ले रहे हो, मैंने कहा यार लेना ही पड़ेगा, ये माइंड भी तो ठीक रखना है, क्योंकि ये कहावत है ना 60 साल के बाद आदमी सट्या जाता है, वो एक गांव की लैंग्वेज है लेकिन उसको साइंस बोलती है कि उसका चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसकी भूलने की प्रक्रिया चालू हो जाती है क्योंकि माइंड वीक हो गया, स्ट्रांग नहीं है। DHA स्ट्रांग रखेगा, DHA हर एज के व्यक्ति को खाना चाहिए, एक एक प्रोडक्ट ताकतवर है। लेकिन अब मैं कहता हूं आप जो भी अपनाए, आपके पास क्या रेंज है, मैंने कहा जो बच्चा इस दुनिया में आने वाला है वो प्रोडक्ट आपके पास है, जब तक दुनिया से व्यक्ति जाने वाला है वो प्रोडक्ट आपके पास है। जो लोग कहते हैं प्रोडक्ट नहीं बिकता, मैं आज आपको उदाहरण दूंगा कैसे बिकता है। जो लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें ही खाना चाहिए, मैं कहता हूं आपको नहीं खाना चाहिए, आपको तो 100% 110 खाना चाहिए। लेकिन जो आपसे टच में रहते हैं, चाहे वो आपका मित्र हो उसको सुगंध देके खिलाना पड़े, आपका रिश्तेदार हो उसको देना पड़े, जो लोग आपसे टच में रहते हैं उनको ये आपको प्रोडक्ट देना ही पड़ेगा। अब आप कहोगे क्यों, एक बीमारी आई स्वाइन फ्लू चिकनगुनिया, अभी ये महामारी चल रही है, और मैं बधाई देता हूं न्यूट्रिशन को। अरविंद सर अभी तक इस महामारी में एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है जिसने कहा हो कि RCM वाले को भी ये महामारी ने छुआ। 2 लोगों की रिपोर्ट आई मेरे पास पूरे भारत से,
तो पता लगा ये न्यूट्रिशन बेचता बहुत था, खाता नहीं था। तो मैंने कहा इसीलिए इसके ऊपर इस बीमारी ने अटैक कर दिया। बाकी आरसीएम में कोरोना ने किसी को छुआ नहीं, क्योंकि 100% जो यूज कर रहे थे इम्यूनिटी पावर बिल्कुल पावरफुल थी। और कितनी लोगों को ये टच होके निकल गया। क्यों खाना चाहिए हमें और क्यों उन लोगों को खिलाना चाहिए? कैसे भी खिलाओ, आप तरीका बदलो, वो मत अपनाओ कि गंगे को कंगी बेचना है और वो सफल सेल्समैन है। उसको किसी भी तरीके से दोस्ती के नाते क्या समझाना है? देखो, जब स्वाइन फ्लू आया तो आप देखना, जिसको स्वाइन फ्लू नहीं था वो फेस कवर करके घूमते थे, रुमाल बांधते थे, जिसको था वो खुला घूमता था। तो किसी ने उसको पूछा, भाई तुम रुमाल क्यों नहीं बांधते? बोले मेरे को तो है। तो बोले ये आपके पड़ोसियों को तो नहीं है, ये तो रुमाल बांधते। बोले मैं इसलिए नहीं बांधता, ये भी यहां अकेले बाद में क्या करेंगे, यानी ये भी मेरे साथ ही चले, मैं इसलिए नहीं बांध रहा। यानी आपको कोई बीमारी नहीं है और आपके पड़ोसियों को है, सबसे बड़ा खतरा आप पर है। आप 100% न्यूट्रिशन खा रहे हो, लेकिन जो दोस्त आपसे मिलता है अगर वो न्यूट्रिशन नहीं खा रहा तो वो कोई भी वायरल आपके पास छोड़ देगा। जो रिश्तेदार आपसे मिलता है वो नहीं खा रहा, वो वायरल आपके पास छोड़ देगा। जो पड़ोसी, वो वायरल आपके पास छोड़ देगा। आपको खाना है, उनको खिलाना है, और उसी लिए शायद इतने ऑफर न्यूट्रिशन लाए कि ये बहाना है ताकि एक बार उन तक पहुंच जाओ। और मैं गारंटी से बोलता हूं, एक बार पहुंच गए फिर हमेशा रिपीट डिमांड है इस प्रोडक्ट की, रिपीट। और ये मैंने देखा है, जैसा लोगों ने कहा नहीं होता। मैं आज अरविंद सर से दिन में बात कर रहा था इसी चीज को लेकर। एक हमारे मुरारी जी है जौनपुर से, और यूपी में लगभग सारे सीनियर उनका नाम जानते हैं, न्यूट्रिशन पे ही काम करते। उनका ये रिकॉर्ड रहा, न्यूट्रिशन का कोई भी टारगेट आया, यहां तक कि उन्होंने जो 6000 वाला था वन ईयर, वो भी क्वालिफाई किया। उसके लिए आज मैं अरविंद सर से बात भी कर रहा था। मैंने उनसे पूछा, मुरारी जी आप इस प्रोडक्ट का, आपने कोई भी लैपटॉप आया, टेब आया, अमिताभ बच्चन जी से मिलने का आया, कोई भी प्रोडक्ट आपने नहीं छोड़ा, बॉम्बे का आया? बोले सर मैं एक ही काम करता हूं, मैं कराड़ा स्कैनर लेके निकलता हूं और मैंने अपने नीचे 7 लोगों की टीम तैयार कर रखी है, और वो 7 लोगों को मैं हर गली में, अलग अलग गली में डेली भेजता हूं, और मैं उनको कहता हूं ये एक जापानी मशीन है, आपके शरीर की जांच करेगी, जांच की मिनिमम कॉस्ट है, ये कॉस्ट आप हॉस्पिटल में जाओ 1200-1500 में निकलती है, और हमारे जो सर हैं वो कल आएंगे, कल वो फिर आपको बताएंगे, और आप घर में एक आध व्यक्ति की करा सकते हो, हम ज्यादा की कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमें इंडिया को कवर करना है। और बोले सर वो लगभग 20 घर जाते हैं, 15 घर से हमें अपॉइंटमेंट मिलता है, सुबह मैं जाता हूं उनके साथ बिल्कुल टाई कोट में, और प्रोडक्ट भी रखता हूं, लेकिन मैं प्रोडक्ट उस समय उनको देता नहीं, मैं जांच करता हूं, और जांच के बाद मैं उनको बोलता हूं आपको ये समस्या। और बोले मैं इतना एक्सपर्ट हो गया, आदमी की चाल देख के बता देता हूं, इसको मैल लगेगा, वो मैल लगेगा, इसको बीजे लगेगा, इसको क्या लगेगा, या S5 लगेगा, या ओमेगा लगेगा, या ब्यू लगेगा, देख के बता देता हूं मैं, इतना एक्सपर्ट हो गया, क्योंकि वो उसके ऊपर 5 साल से काम कर रहे। तो बोले जैसी वो कराड़ा स्कैनर पे और खड़ा होता है, मैं कह देता हूँ ये, तो वो बोलता है ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? बोले देख लो, मेडिकल पे भी मिल सकता है, या फिर इसकी एक शॉप है वहां मिल सकता है, लेकिन डिमांड बहुत है, अब देख लो आप अगर मिल जाए तो। वो बोलता आपके पास नहीं? तो वो बोले मेरा जो सीनियर रहता है वो बोलता है सर वो जो प्रोडक्ट अपने पास है वो दे दें अभी इनको। तो मैं बोलता हूँ इनको नहीं देना, वो दूसरे का बुकिंग है, उनको देना है, वो परसों से मांग रहे हैं। अरे बोले सर ये कहाँ जाएंगे, ये कह रहे हैं दे दो। बोले नहीं नहीं बोले जैसी मैं उनको MRP बताते हैं तो बोलते कुछ डिस्काउंट होगा, तो मैं बोलता हूँ वापस रखो थैले में, ये डिस्काउंट मांग रहे हैं, ये क्या खाएंगे, 6 महीने खाना है इनको रनिंग में। वो कहता नहीं नहीं सर आप गुस्सा मत करो, दे दो। वो बोलते हैं कि हम चारों लोग शाम को, अरविंद सर वो चारों लोग शाम को 3000 से 3500 तक आपस में डिवाइडेड करते हैं पैसा, MRP और DP का डिफरेंस, और फिर अकॉर्डिंग जितना वॉल्यूम बनता है सारे प्रोडक्ट का, चारों लोग अपनी अपनी आईडी पे अकॉर्डिंग डाल देते। और मुरारी जी का सिर्फ इस न्यूट्रिशन से आज तक रॉयल्टी कंप्लीट मेंटेन है, उनका कभी रॉयल्टी नहीं टूटता। यानी सब कुछ हो सकता है, लेकिन जैसा भी अरविंद सर कह रहे थे कि हमें बहुत ध्यान फोकस रखना पड़ेगा। मैं हमेशा एक ट्रेनिंग में बात बोलता हूं, आप कभी
घोड़े को खाते हुए देखना, उसका मालिक उसको खुला छोड़ देता है और एक डलिया में कुछ डाल देता है, वो घोड़ा खाता है। लेकिन जैसे उसको वो टांगे में जोतता है ना, उसके आंख के दोनों तरफ एक पट्टा लगाता है। पता है क्यों? कि इसका टारगेट फिक्स होना चाहिए, इसको कुछ दिखाई ना दे, इसको सिर्फ इसकी मंजिल दिखाई दे। अगर वो बंधा हुआ ना हो ना, तो वो घोड़े को शोरगुल इधर दिखाई दे, इधर दुकानें दिखाई दे, कहीं हाथी दिखाई दे, कहीं ट्रेन दिखाई दे, शायद वो घोड़ा उस मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता, वो इधर उधर टकराएगा और वो पैसेंजर शायद हॉस्पिटल पहुंच सकते। इसलिए वो लगाता है कि इसको इसकी मंजिल देखनी चाहिए, और वो सबको उनकी मंजिल तक छोड़ देता है, रेलवे स्टेशन छोड़ना हो, बस स्टैंड छोड़ना हो। तो आपको अभी मार्च तो है ही, ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्च के अलावा भी इस साल दिसंबर तक मैं कहता हूं ये सीजन टाइम है। कई बार बहुत योग से आता है, इतने ऑफर मैंने कभी आरसीएम में, मेरे को 18 साल हो गए, आरसीएम में 50 पैसे का हेल्थ कार्ड का पैम्पलेट फ्री नहीं देता, मेरे को ही अमेजिंग लगता है ये कैसे हो गया। तो इस साल क्योंकि ये 6 मंथ का है, जो इस मंथ भी शुरू हो जाएगा तो 7th मंथ बाद उसको उतना ही प्रोडक्ट न्यूट्रिशन देगा, उतना ही आरसीएम देगा। तो आप अपना फोकस बिल्कुल फाइनल रखें। अभी जैसा अरविंद सर ने कहा, 700 है, 2100 है, डबल धमाल है, गोल्ड का है, लैपटॉप है, और मेरे को जो अभी पसंद आया, मैं आज थोड़ा सा इसको एक मिनट में क्लियर करना चाहता हूँ, मेरी बेटी मेरा अभिमान। आप कभी भी जो यहाँ पिता बैठे होंगे, बहुत सारी माँ बैठी होंगी, एक माँ और पिता से कभी पूछना एकांत में, अगर उनके 3 बेटे और 1 बेटी है तो वो बेटों को लेकर कभी चिंतित नहीं रहते, उनको पता है ये बेटे हमारे पास रहेंगे, इनको जो भी दुख आएगा हम देख लेंगे, लेकिन उनको सबसे ज्यादा चिंता बेटी की होती है, पता नहीं ये किस घर में जाएगी, कैसा इसको जीवन साथी मिलेगा। मैं कहता हूं उसके लिए हमें मेरी बेटी मेरे अभिमान पर विशेष फोकस करना चाहिए, शायद वो बेटी आपके घर में ही रॉयल्टी और टेक्निकल बनकर उस घर जाए। ऐसी बहुत सारी, आपको पता है सचिन अग्रवाल, नेहा अग्रवाल, वो दोनों आरसीएम में मिले, सचिन जी टेक्निकल थे और दहेज में उनको रॉयल्टी मिली, नेहा अग्रवाल, आज नेहा अग्रवाल टेक्निकल है। तो आप मतलब क्यों नहीं चाहते ऐसा कि वो बेटी कभी भी अपना सर, आप देखना महिला को कोई भी, देखो आज आप एक भिखारी को देखो, वो 1 रुपया मांगता है, आप दूर से फेंक तो दो, वो वापस आपकी तरफ फेंक देगा, बोले नहीं चाहिए ऐसा पैसा, मतलब वो भी कहता है कि मेरी भी अपनी कोई इमेज है, मैं मांग रहा हूं तो इज्जत से दो। जब एक पत्नी किसी के आगे हाथ फैलाती है ना, या पति को बार बार बोलती है, उसको पता भी है पति को कई चीजें मेंटेन करनी पड़ती है, तो उसको लगता है कि ठीक है सब अच्छा है, लेकिन मेरे को बार बार मांगना पड़ता है। तो क्यों ना हम अपनी बेटियों के लिए ऐसा काम करें कि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर जाए, उसको किसी से मांगना ना पड़े, या वो इस काम को करते करते न्यूट्रिशन की इतनी एक्सपर्ट बन जाए कि वो जब भी अपनी ससुराल जाए तो वो वहां न्यूट्रिशन से अपनी जीविका को अच्छी तरह चला सके, 20-25 हजार वो न्यूट्रिशन से कमा सकती है। मुरारी जी हमारी कम से कम 75 से 1 लाख पर मंथ इनकम है उनकी न्यूट्रिशन से, रॉयल्टी से मिलता है उनको 25 से 30 हजार, और बाकी डीपी और एमआरपी का डिफरेंस डेली लेते, 70-75 हजार से 1 लाख मंथली इनकम है उनकी। और अभी उन्होंने एक डिसीजन लिया कि सर अभी तो सीमित एरिया था, अभी उन्होंने सागंज में अपना वंडरबल्ड क्विक ओपन किया और बोले सर अब मैं नेटवर्क बढ़ाना चाहता हूं, जैसा भी अरविंद सर ने कहा कि ये अभी टाइम है, क्योंकि फिर हमें कोई बढ़ाने भी नहीं देगा, क्योंकि जो चीजें चल जाएंगी आप नहीं करोगे, आपको क्या लगता है आरसीएम दूसरे लोग नहीं करेंगे, लेकिन फिर शायद आप उस रेस में भाग ना ले पाओ। तो आप बहुत ध्यान दें, वो 700 का ऑफर हो, और ये तो कंटिन्यू ही रहना चाहिए, 700-2100 बड़ा ऑफर नहीं है, गोल्ड का है, डबल धमाल है, लैपटॉप है, और सबसे ज्यादा पसंद आया मेरे को मेरी बेटी मेरा अभिमान। इस पे हमें हर पिता को, हर भाई को, हर माँ को इस पे बेटी के लिए स्पेशल फोकस करना चाहिए। अब प्रश्न आता है, अरविंद सर ने कहा पिन का बदलना क्यों जरूरी है, आज मैं आपको इसका महत्व बताता हूं। जब आपकी टीम में लोगों की पिने नहीं बदलती तो उनका बिलीव लेवल डाउन होता है, उनको क्या लगता है शायद चंद लोग ही यहां पहुंचते हैं। मैं एक बहुत सटीक उदाहरण देना चाहता हूं, अभी आपने कुछ समय पहले माननीय मोदी जी की एक शब्द सुना होगा, अध्यक्ष थे पहले अमित शाह जी, अभी जेपी नड्डा जी को बता दिया,
उन्होंने उनको बना दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहां हर आदमी को मौका मिलता है, ये उनके शब्द थे कुछ दिन पहले के माननीय श्री मोदी जी के। तो उससे जो बीजेपी की पूरी टीम है उसमें उत्साह भरा, क्या हमारा भी नंबर आएगा, अगर जेपी नड्डा जी का आया हमारा भी आएगा। तो जब आप नीचे से लोगों की रॉयल्टी निकालोगे तो उनमें उनके नीचे वालों में एक नई एनर्जी आएगी कि यस इस सिस्टम में हमारा भी नंबर आएगा क्योंकि उनका आ चुका है। लेकिन जब हमारी पिनें नहीं बदलती तो नीचे वालों का उत्साह डाउन होता है कि सर शायद सबका नंबर नहीं आता। तो ये सबका नंबर लाने के लिए मार्च बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, और मार्च ही नहीं, मार्च में तो आपको जैसा हम बोलते हैं ना कि जब फ्लाइट रनवे पे दौड़ती है तो उसको पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है जितने भी उसके इंजन है, लेकिन जब वो टेक अप कर जाती है तो बाकी इंजनों को बंद कर दिया जाता है, फिर वो एक इंजन के भरोसे ही उड़ती है। तो मार्च तो आपको वो रनवे पे टेक अप वाला काम है, वो तो पूरी एनर्जी लगानी है। लेकिन इस साल 31 दिसंबर 21 तक आपको एनर्जी को लगाए ही रखना है। और लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं, इसके बाद हम मीटिंग को एंड करेंगे। और जैसा अरविंद सर ने कहा कि ट्रेनिंग आप लेते रहे न्यूट्रिशन की, क्योंकि ये बिजनेस स्किल डेवलपमेंट का है। आने वाले समय में भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे न्यूट्रिशन के, जो क्योंकि अगर हम इसकी नॉलेज लेंगे, जैसा अभी अरविंद सर ने एक बात दोहराई थी मेरे को बड़ी अच्छी लगी, और मैं लोगों को बोलता हूं, मैं कई बार मीटिंग में पूछता हूं कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, तो कुछ लोगों को डेट याद है, तो मैं उनसे बोलता हूं इसका कोई वॉल्यूम नहीं मिलता। बोले सर ये क्या बात हुई, मैंने कहा इस चीज का कोई वॉल्यूम आपको कंप्यूटर नहीं देगा। बोले इससे फर्क क्या पड़ता है, मैंने कहा जब आपने वो पानीपत का युद्ध याद रखा है तो आपको न्यूट्रिशन क्या काम करता है, कौन से कंटेंट कब काम करते हैं, वो अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो डला हुआ है, उसको डिलीट करोगे तो न्यूट्रिशन जाएगा अंदर। इसके कंटेंट जब बताओगे प्रोडक्ट बिकेगा, उसका वॉल्यूम देता है। आप कितनी मीटिंग अटेंड करते हो, कितनी तालियां बजाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 31 तारीख को कंप्यूटर सिर्फ एक चीज देखता है कि आपका वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ है, और उसका 45 को एक सिस्टम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो आपको अपना वॉल्यूम जनरेट करना, ये मंथ इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में एक लाइन के साथ मैं बात खत्म करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप देखना, बहुत लोग कहते हैं सर काम करने की क्या जरूरत है, अरविंद सर ने कई लोगों का उदाहरण दिया। आप देखो जितने भी लोग अनाथालय चला रहे हैं, जितने भी लोग वृद्धा आश्रम चला रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सर छाप लोग हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन ये क्यों चला रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि यहां से जाने के बाद वह जवाब देना है कि जब मैंने आपको इस दुनिया में भेजा आपने अपने लिए किया, ठीक है एक गाय भी अपने लिए करती है, अपने बच्चों के लिए करती है, लेकिन मैंने आपको माइंड दिया था, आरसीएम जैसा प्लेटफॉर्म दिया, न्यूट्रिशन जैसा ब्रांड साथ में दिया, फिर आपने लोगों की सेहत के लिए क्या काम किया, आप लोगों की हेल्थ के लिए जो काम करोगे आपको पता है लोग क्या दुआएं देते हैं। मतलब किसी के घुटनों का अगर दर्द खत्म कर दो ना, वो ये कहता है बेटा मेरी तो जिंदगी वैसे भी एंड थी, मेरी बची हुई उम्र भी आपको लग जाए, क्या लगता है। मैं कहता हूं इससे बड़ा परोपकार नहीं है, हम पैसा सिस्टम देगा, रॉयल्टी देगा, टेक्निकल देगा, रूबी स्टार रूबी बनाएगा, सब बनाएगा, वो पिनों का महत्व है मैंने अभी आपको समझाया, वो अपनी जगह है, लेकिन इस देश के लिए हम इस बीमारी को हटा सकते हैं, इससे बड़ा परोपकार कुछ नहीं होगा। इससे आने वाले समय में आपके बच्चे, मतलब उनको जो दुआएं मिलेंगी आपको लगेगा मेरे परिवार में क्या शांति है। और न्यूट्रिशन एक ऐसा ब्रांड है, आरसीएम आज जहां भी खड़ा है, या जितने भी हमारे सीनियर हैं, चाहे आज मैं जहां हूं, कोठारी सर हैं, बस साहब हैं, जितने भी लोग आज हमें हैं, केसी सर हैं, बीसी सर हैं, न्यूट्रिशन का 75% रोल है, और इसलिए उन्होंने अपना वॉल्यूम भी 75% फिक्स कर रखा है। कई वेंडर्स ने कम ज्यादा किया, वो कहते हैं 75 से हम कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा शुरू से रोल ही 75 रहा है, हमारी पिनों को बदलने में रहा है, तो हमें इसको फोकस करना चाहिए जिसका सबसे बड़ा रोल था। आप सारे सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर, नई ऑडियंस, आपने सुना बहुत पेशेंस के साथ, और हर मीटिंग को सुनो, बहुत थैंक यू। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, थैंक यू।